तो हम लोगों की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का होली के त्यौहार बहुत अच्छे से मना होगा और हम लोग भी बहुत अच्छे से मनाए हैं। लेकिन जो होली में पर पकवान जो बनता हाँ, है वो हम लोग के घर नहीं बन पाया था। काजी दुकान चलाने के दुकान इतना दुकान चला रहे थे हम लोग, बहुत व्यस्त थे दुकान में, इसलिए हम लोग के घर पर पकवान कुछ नहीं बन पाया था। तो आज हम लोग आराम से बनाएंगे और खाएंगे। हालांकि पुआ खाने का मन था लेकिन गीता बोली कि चैत अब आ गया, चैत में हमारे घर पर पकवान नहीं बनता है, कढ़ैया नहीं ना चढ़ता जी, तो हम लोग पुआ नहीं खा पाएंगे। तो जा रहे हैं, चिकन वगैरह लाएंगे और कुछ अगल बगल के बूढ़े बुजुर्ग लोग को भी बोले हैं अपने घर आने के लिए, उनके खाना पे उनको बुलाए हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो में बने रहिए, चलिए आगे देखते हैं होता है क्या। और फिलहाल तो अभी गीता देखिए चूल्हा लिप रही है और हम जा रहे हैं नहाने। तू तो भी चूल्हा लिप नहा लेना, तो हाँ, हम चलते हैं अभी नहाने, ठीक ना। तो नहा धोवा लिए हैं और अब चलते हैं मुर्गा लाने के लिए। और इधर देखिए खेत से सारा फसल कट गया तो ये लोग अपना घुरान उखाड़ कर रख रहे हैं। जब फिर से खेत में फसल लगेगा तो इसी घुरान को फिर से घेर देंगे गाय बैल से बचाने के लिए। तो आ गए हैं नावा, अब लेते हैं यहाँ पे मुर्गा। आप जी कैसे दे रहे हैं? 140 4 किलो के लिए ना, 4 किलो बनाना नहीं है, ऐसे देना है। हाँ तो नावा से हम आ गए हैं और अब चलते हैं, देखते हैं गीता को बोले थे बनाने थे चावल वगैरह बनाने के लिए। तो ये देखिए गीता फिर चावल फटक रही है और अदहन चढ़ा हुआ है, उसमें पानी गर्म किए जी मुर्गा बनाने के लिए। और इधर देखिए गीता चावल धो रही है और हम मसाला निकाल दे रहे हैं, अभी लहसुन छील रहे हैं, सब लहसुन छील रहे हैं जी, सब छील देना। बाबू उठिएगा उधर, बाबू रो रहा है शादी लेकर आते हैं ना बाबू को, उसके बाद छीलते हैं। गीता उधर मसाला पीस रही है और बोल रही कि चावल हो गया तो हम जा रहे हैं पसा देते हैं। कहाँ गया हमारे पसंद जी? यहाँ बिक रही है, देखो तो संतिया लोग बन दिया कर दिए। देख चावल बन के रेडी हो गया, इसको ले जाते हैं बाहर। और गीता मसाला पीसने के बाद ये देखिए अब चिकन भुज रही है और हम बाबू को दूध का छाली खिला रहे हैं, ये दूध का छाली खाने में बहुत ही माहिर है। और चिकन अच्छे से भुजा गया तो ये देखिए इसमें गीता अभी पानी डाल रही है रसा लगाने के लिए, इसके बाद ढक कर छोड़ देगी कुछ देर के लिए सीझने के लिए। तो अब चिकन भी बन के रेडी हो गया, तो खाना बन के रेडी हो चुका है और जा रहे हैं अब, जिनको जिनको खाना पे बुला हैं उनको
लेने जा रहे हैं। जाना जी, लेके आते हैं उन लोगों को। तो जिनको जिनको हम खाना पर बुलाए थे ये देखिए आ चुके हैं और हम पारा पीछे करके सबों को खाना परोस रहे हैं। हालांकि दो तीन लोग और नहीं आ पाए क्योंकि आज बुध बाजार था, वे बाजार करने चले गए। और यहाँ पर हमारे पापा भी शामिल नहीं हैं क्योंकि वो भी नावा गए हुए हैं कुछ काम से। अरे तो इन खोक रख, भाग इतना ना खबो खा रहे हैं, एक उतर खा ले रही है ना, कहेंगे हैं एक दिखा ले रही है, झगड़ा के नमकीन छड़ी क्या ना खा ले, उतना ना खबो तू इतनी यहाँ के खेली है। रुक रहा है कौन है, खो अरे खा ले, खो ना खो ना खाइए सब, उतना ना खाइए ना कभी तो और ये है महुआ मीठा जो सेहत के लिए हानिकारक है, ये चीज हमें भी पता है लेकिन क्या करें, गांव देहात के लिए ये साधारण बात है। और समझिए कि गांव देहात के लोग कितना भी भरपेट खाना खा लेंगे लेकिन जब तक इनको महुआ मीठा नहीं मिलेगा तब तक आत्मा को शांति नहीं मिलता है, इसलिए हमें मजबूरन महुआ मीठा खाना के साथ साथ चलाना पड़ रहा है। और ये देखे पापा भी हमारे नावा से आ गए हैं तो इनको भी खाना लगा दे रहे हैं साथ में ही। ये सब करके हमें बहुत खुशी होता है और अपने घर परिवार के सहयोग से हम ये सब बड़े आसानी से कर भी लेते हैं। और मेरे लिए महत्वपूर्ण बात ये है कि जैसे हम दूसरे के प्रति विचारधारा रखते हैं वैसे ही विचारधारा हमारी धर्मपत्नी भी रखती है, जो मेरे लिए भाग्यशाली की बात है। तो जैसा कि आप लोग वीडियो में देखे कि होली के पर्व का मान हम लोग होली का दिन नहीं कर पाए थे तो आज हम लोग अपने अगल बगल के बूढ़े बुजुर्ग के साथ मनाए और हमको अच्छा लगा। और आप लोग देखे होंगे वीडियो में कि खाना के साथ साथ हम मतलब नशीले पदार्थ का भी वो चलाए साथ साथ खाना के साथ साथ, तो आप लोग को देखने में थोड़ा सा ख़राब लग रहा होगा, चाहे आप लोग को बुरा लग रहा होगा लेकिन ये गांव देहात में यहाँ पे नॉर्मल बात है और यहाँ पे वो चीज़ नहीं देंगे तो थोड़ा सा मतलब जो संतुष्टि होता है दिल को वो चीज़ नहीं मिल पाता, इसलिए हमको मजबूरन उन लोग के लिए चलाना पड़ा। और बाकी आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ताकि हमें भी पता चले कि हम जो किए वो गलत किए या सही, हमें ऐसा करना उचित था या नहीं। सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।